होता है, जीरो होता है। अब जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, फाइंड द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सी थ्री जेड स्क्वायर प्लस सेवन जेड प्लस वन डी जेड और सॉरी जेड प्लस वन डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मोर जेड इक्वल टू वन बाई टू। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास जो सर्कल है वो उसकी रेंज क्या है, जेड मोर जेड बराबर वन बाई टू, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो वन बाई टू तक ही है। यहाँ पे हमारे पास ये, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया इसको, ये एक्स बाई एक्सिस, तो यहाँ पे वन बाई टू और ये वन बाई टू, यानी इसकी रेडियस जो है वो वन बाई टू है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, पोल ऑफ द इंटीग्रैंड आर गिवन बाय पुटिंग द सॉरी पोल ऑफ इंटीग्रेटर पोल ऑफ इंटीग्रल जो है वो किस तरह से दिया जा सकता है। हमारे पास जो डेनोमिनेटर है उसको जीरो के इक्वल पुट करने पर, जेड प्लस वन बराबर जीरो के इक्वल पुट करने पर, तो फिर उसको जीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे पास जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि जेड इक्वल टू अगर माइनस वन पुट करते हैं तो ये वैल्यू जो जाएगी इन्फाइनाइट पे जाएगी। तो इस कंडीशन में जेड इक्वल टू माइनस वन जो है वो एक पोल है, बट जेड इक्वल टू माइनस वन फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ से बाहर आएगा, जेड इक्वल टू माइनस वन जो होगा यानी कि जो पॉइंट होगा वो इस सर्कल से बाहर होगा, क्योंकि जेड बराबर वन बाई टू इसके अंदर है, जो जेड लेस देन इक्वल टू वन बाई टू है वो सारे पॉइंट इसके अंदर हैं, तो जेड इक्वल टू माइनस वन जो पॉइंट होंगे वो सब बाहर होंगे इसके। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो सर्कल का जो पोल है वो बाहर है, द गिवन सर्कल मोर जेड इक्वल टू वन बाई टू विद सेंटर एट जेड बराबर जीरो एट रेडियस वन बाई टू डज नॉट इंक्लूड एनी सिंगुलरिटी ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी इसी फंक्शन की कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। सिंगुलरिटी क्या होती है फ्रेंड्स, जहाँ पे फंक्शन जो होता है वो सॉरी जहाँ पे उसका पोल है जो होता है वो पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलरिटी, यानी उसकी कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, डज नॉट इंक्लूड एनी सिंगुलरिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से कि इसका जो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन जो होगा वो जीरो होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेट